39वीं कहानी, येसु में मुकदमा चलून। जब उन्होंने येसु पकड़ भेन अपन कब्जा में कर लीज और महायाजका घर में ले जान, येसु हेथर दूर पत्रस महायाजका द्वार तक ग्योच। जब लोग खलाक बीच में आग जलाभरन चारों तरफ बैठे तब पत्रस हल आभरन उनार दिगाड़ बैठ गयो। घराक भीतर बटे यहूदी अगवान ले येसु में मुकदमा चलाच, उन ऊ खिलाफ झूठी गवाही दिन मरेज और झूठ गवाह लीबरन आयन। हालांकि उनर बात एक दूसरा दिगाड़ मेल नहीं खाँच, एक कारण यहूदी अगवान यो साबित न कर पाया कि को बात में दोषी छा। येसु के न क्यों आखिरी में महायाजकल येसुक तरफ देखभेन क्योच, हमन बतो कि क्या तें जीवन परमेश्वर चोल मसीह है। येसु क्योच, मैं छू और मैं परमेश्वर दगाड़ बैठिना और स्वर्ग में उन देखला। महायाजकल अपन कपाड़ फाड़ लियान, किले कि जो येसु क्योच उस यो बात में बहुत गुस्सा आज और उल क्योच एल परमेश्वर अपमान कर छे, हमुन गवाही के जरूरत नहातीन। देखा तुमुल सुन छे यो परमेश्वर अपमान कर छो, तब तुम लोगों को की विचार छे। तब और लोगों ले जवाब दीज, यो तब मौताक सजाक लायक छे। सब यहूदी अगवान ले महायाजक जवाब दीज, यो मौताक सजाक लायक छे। तब उन्होंने येसुक अखान में पट्टी बाध्यान, तब उन्होंने येसुक मुख में थूक छे और घूसा मारियान, और कुछ लोगों ले थप्पड़ मार भेन येसुक मजाक उड़ाच, अगर त मसीह छे त हमुन बतो तेज कैल मार छे। तब पत्रस भ्यार खाल में बैठिनाक छो, तब एक सैनिक ऊक पास आभरन क्योस, तैलत येसु गलीली दगाड़ छे। तब सपुन का सामुन यो कहन मना कर छे, मैं न जानू तक की कुछ ही। एक बात पत्रस उल्ले है नह जांच, लेकिन एक दूसर सैनिल उस देखवेन जो वहाँ बैठिना छो उथे क्योस, यो त येसु नासिक दगड़िया छे। तब पत्रसल कसम खाबरेन क्योस, मैं येसुस न जानू। थोड़ी देर बाद जो लोग वहाँ ठहर छा, उन्होंने पत्रसाक पास आभरेन क्योच, सच्ची में तैले उनुन में भटे एक छे, क्याखिन की तेर बातुन ले पत्तो चलू मरियोज, तै गलीली छे। तब पत्रसल फिर कसम खाबरन कूच, मैं उस न जानू, और उई बखत मुर्गल बांग दीज। तब पत्रसस येशुक बात याद आज कि मुर्गाक बांग दिन है पहली, तैं तीन बार मेर इनकार कर ले। और तब पत्रस भ्यार जाबरन जोर जोरे रून लाग छे, उई बखत येशुक पकड़न वाल यहूदा ले देख छे कि यहूदी अगवान ले येशुस मौतक सजा दिए हल छे। यहूदा बहुत दुखी हो गयो और जाबरन उल अपन आपस फंस लगा दीस। अब वो देशों के राज्यपाल पिलातुस शो वो रोम खिन काम कर शो, यहूदी अगवा येसुस ऊग पास लिबरन आयन, उन चांच की पिलातुस उस मौतक सजा दे और उस मार डालो। तब पिलातुस एल यीशु तक पूछे, क्या तय यहूदीन को राज छे? येसु जवाब दीस, तय सच्ची क्योस, लेकिन मेर राजे यहाँ धरती में नहातीन। अगर हुन त मेर दास मैखिन युद्ध लड़ना, मैं धरती में परमेश्वर के बारे में सच बतून खिन आ रही हूँ। हर एक जन जो सच्ची में प्रेम कर सो और मेर सुन सो, पिलातुसल क्योस, तय सच की छे। येसु दगाड़ बात करना के बाद पिलातुसल बिहार भीड़ा पास जा रहे क्योस, मैं यो आदि में के दोष न पानू कि मौतक सजा लायक हो। लेकिन यहूदी अगवा और भीड़ अख लोग चिल्ला भ्रहन कुन लग्यान उस सूली में चढ़ा दे। पिलातुसल जवाब दीज, उल के गलत कामों के दोषी नहातीन। लेकिन उन और ले जोरल चिल्लान लग्यान, तब पिलातुसल तीसर बार क्योच, वो दोषी नहातीन। पिलातुस डर गयो कि यो भीड़ लड़ाई झगड़ शुरू कर दे, एक कारण वो अपन सिपाहीन का द्वारा येसु सूली में चढ़ून खिन मान गयो। रोमी सिपाहीन ले येसु कूड़ा लगायन और उस राजा का पड़ पहनायन और वो ख्वार में कणान को बनाना मुकुट राख से। तब उन यो कैवरन उग मजाक उड़ून लग्यान, देखा यहूदीन को राजा।